So so, तो उम्मीद है की ये फोटो देखकर आपका मूड बहुत अच्छा हो गया होगा तो चलिए शुरू करते हैं स्लीप फिजियोलॉजी के साथ तो जैसे की हर बार हम करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन जानते हैं स्लीप क्या होता है स्लीप बेसिकली आपकी वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे आपके जो बॉडी के फंक्शन है उनको कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिल रहा है और जो आपकी रिएक्टिविटी हो रही है हर इवेंट में आप रिएक्टिविटी देते हैं तो वो रिएक्टिविटी थोड़ी देर के लिए थम गई है और आपको अब यदि उठाना है तो अगर आप उठेंगे तो आपका फेस बिल्कुल ऐसा दिखेगा और अवेकनिंग हो सकती है बाय सेंसरी स्टिम्यूलेशन सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लीप नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर व्हाई आर वी स्टडी स्लीप इन सो मच डिटेल बिकॉज हर सिस्टम फिजियोलॉजी का स्लीप में ऑल्टर होता है है ना तो वो स्लीप में क्या ऑल्टरेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए सो so बेसिकली आपको क्या पता है कि अल्टीमेटली मैंने आपसे क्या कहा रेस्टिंग स्टेट है ना रिलैक्स स्टेट तो आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है आराम से आप खुद ही बता सकते हैं कि आपको रेस्ट करना है रिलैक्स करना है सो so, आपका क्या होगा हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट टोन ब्लड प्रेशर सब कम हो जाएंगे ठीक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका सारी चीजें अगेन टाइडल वॉल्यूम रेस्पिरेटरी रेट पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो जाएगा बीएमआर आपका 10% से कम 10% तक कम हो जाता है यूरिन वॉल्यूम बेसिकली डिक्रीज होता है पर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉस्फेट कंसेंट्रेशन ये सब बढ़ जाता है तो इसके कारण से जो यूरिन बनता है दैट इज मोर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नाउ सिक्रीशन की बात है तो सलाइवरी सलाइवरिल्रीमल सिक्रीशन कम हो जाते हैं जबकि स्वेट सिक्रीशन कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है मसल्स की बात है तो मसल्स बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में रहेंगी उनकी टोन बिल्कुल कम रहेगी ठीक है और अगर ये टोन यदि कम नहीं हुई तो क्या प्रॉब्लम होती है वो हम देखेंगे और बेसिकली कौन सी मसल है जो आप चाहते हैं टोन कम ना हो तो बेसिकली डायफ्राम की मसल उनका टोन कम नहीं होना चाहिए नहीं तो काफी सारी दिक्कत होगी तो डायफ्राम और एक एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स की हम एक्सेप्शन ले लें क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में हम देखेंगे तो बाकी सारी मसल्स का जनरली टोन कम हो जाता है रिफ्लेक्सेस की बात करें तो जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है वो बेसिकली आपके अनचेंज रहेंगे okay? so, so, now, sleep, है? तो स्लीप तो के टाइप्स हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसको हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं और एक है रैपिड आई मूवमेंट या पैराडॉक्सिकल स्लीप इनके दूसरे नाम ऐसे क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ स्लीप है दे आर अम्पोनेट ऑफ साइकिल नाउ वॉट हैली स्लीपल आप देख सकते हैं दिस इज योर पर्टिकुलर स्लीप साइकिल ओके नाउ आफ्टर गेटिंग टायर्ड द होल डे यू स्टार्ट टू स्लीप तो आपकी स्लीप शुरू होगी एनआरएम वन से और ये आप स्लीप करेंगे बेसिकली फोर तक जाएगी फिर साइकिल रिपीट होके फिर आरईएम e. आएगा सो दिस इज अबाउट एंड देन अगर आप उठते हैं ब्रीफ वेकनिंग तो वो चीज आपकी रहेगी तो so, बेसिकली क्या होगा आपका एनआरएम ये पूरी जो साइकिल है दिस इज योर स्लीप साइकिल अब हम क्या चाहते हैं कि स्लीप साइकिल में हमें पता है चार नॉर्मल अगर हम एक एवरेज ड्यूरेशन सिक्स टू सेवन आवर्स ऑफ स्लीप की देखते हैं सो so बेसिकली जो आपका टोटल स्लीप पीरियड है उसमें ऐसी फोर टू फाइव साइकिल चल जाएंगी और हर साइकिल नाइनटी टू हंड्रेड मिनट्स लास्ट करती है और इसमें से आप देख सकते हैं कि एट्टी परसेंट सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एनआरएम का है सो दिस इज वॉट यू नीड टू नो इन बेसिक अब हम देखते हैं बेसिकली डिटेल्ड में क्या होता है सो so, उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि स्लीप की जनरेशन जो है मैंने आपसे कहा एनआरएम और आर एम ठीक है सो so, अब आपको क्या याद रखना है पहली चीज गोल्डन रूल कि आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे मैंने आपसे कहा था कि आपकी स्लीप बढ़ रही है ना आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे आपकी स्लीप और आप गहरी स्लीप में जाएंगे सो so, जो आपकी ईजी वेवस है उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी रिस्पॉन्स आना कम हो जाएगा ठीक है सो so, आपको ये चीज ध्यान में रखना है मैं बताऊंगा एप्लीकेशन अभी हम देखते हैं एनआरएम स्लीप क्यों होती है तो बेसिकली जो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसका इनिबिशन होता है किससे होता है प्री ऑप्टिक एरिया अब ये बोलते से मुझे लगता है आपको हाइपोथेलेमस याद होगा सो so उसमें हमने देखा सम वन प्लीज वेक लक्ष्मण सो दिस प्री ऑप्टिक एरिया शुड स्ट्राइक यू है ना तो इनिबिशन हो गया रास का फिर साथ ही साथ जो स्लीप प्रोमोटिंग मैकेनिज्म है बेसिकली थैलेमस में इसको डिटेल में जानेंगे सिंक्रोनाइजिंग डी सिंक्रोनाइजिंग सो जो थैलेमस है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ स्लीप प्रोमोटिंग

तो ये जो पीजीओ स्पाइक्स होता है बेसिकली अभी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है हम इसको हुआ तो कभी देखेंगे सो so आपको बस अभी इतना पता होना चाहिए कि जो जो स्पाइक्स होती है ये बेसिकली आपका कोलिक न्यूरोन्स होते हैं उनकी डिस्चार्ज के कारण होता है अब क्या होता है ना कि जैसे अगर कोलिनर्जिक न्यूरोन्स का डिस्चार्ज हुआ तो पीजीओ स्पाइक्स आगे चल के एक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं ये स्पाइक आई इसने एक पाथवे एक्टिवेट करती है दिस इज योर मैग्नोसेल्युलर पाथवे और मैग्नोसेल्युलर पाथवे फिर अल्टीमेटली आई मूवमेंट कराता है और आपको आरईएम पता है रैपिड आई मूवमेंट तो आई मूवमेंट की फिजियोलॉजी है अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं टाइम कम है अभी हम बस इतना जान सकते हैं एनआरएम में रास इनिबिशन और स्लीप प्रोमोटिंग स्टिमुलेशन और आरईएम में आपका पीजीओ स्पाइक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है मैग्नोसेल्युलर पाथवे आई मूवमेंट ठीक है अब हमें क्या याद रखना है बेसिकली चेंजेस इन द टाइप ऑफ स्लीप ठीक है अब हम बेसिक जो फिजियोलॉजी हमें समझना है हर स्लीप में क्या पैटर्न है वो देखते हैं तो अब जैसे मैंने आपसे कहा आप पहले दिन भर का काम करके थक गए अब आप सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप रिलैक्स वेकफुल फिर रिलैक्स धीरे धीरे ट्राउजी फिर आपकी एनआरएम स्लीप स्टेज वन टू थ्री फोर एनआरएम इज इन फोर स्टेजेस ओके और आरईएम आपका एक तो अब हम देखेंगे इनकी डिटेल तो रिलैक्स वेकफुलनेस का मतलब क्या है जैसे आप अभी हैं और अभी आप आग बंद करके एकदम सोने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप अवेक होंगे और आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो रिलैक्स वॉन्डरिंग माइंड होगी तो आपकी वेव्स कौन सी आती है अल्फा वेव्स आई होप आपको ईजी क्लियर हो इसके बाद देख लीजिएगा यदि नहीं हो तो तो अवेक जो रिलैक्सड है विद आईज क्लोज है दिस इज योर रिलैक्स वेकफुलनेस वेव्स आई अल्फा फिर धीरे धीरे ड्राउजी हो रहा है तो आई बॉल्स क्लोज होंगी जो नेक रिजिडिटी है वो कम होगी वो सब चीजें हमारी रिलैक्स ड्राउजीनेस में आ जाएगी और अब जैसे आपको मैंने कहा जितनी गहरी नींद में जाएंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ठीक है इसके पहले यदि आप कुछ फोकस का काम कर रहे होंगे तो आपकी बीटा और गामा वेव मिलेंगी फिर अब आप रिलैक्स हो रहे हैं तो अल्फा 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 अल्फा, अल्फा की फ्रीक्वेंसी कम हो गई अब एनआरएम में फर्दर अल्फा की फ्रीक्वेंसी कम करके टूवर्ड्स डेल्टा वेव हमें ले जाना है ठीक है इज दैट ओके सो अल्फा वेव अब स्टेज वन जो एनआर है लाइट स्लीप ठीक है स्टेज टू है वो ट्रू स्लीप सबसे ज्यादा फ्रैक्शन भी आप देखेंगे ना तो स्टेज टू में ही जाता है स्टेज थ्री

ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली के कॉम्प्लेक्स और स्पिंडल्स है ना बेसिकली स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं अगेन आपको जितना अभी याद रखना है बेसिकली स्लीप स्पिंडल्स जो होते हैं

तो अब अगर आप उठे हो तो क्या आप कंप्लेन करोगे कि मैं सपना देख रहा था मेरा सपना टूट गया बीच में नहीं बिकॉज सपने देखना आरियम स्लीप का काम है कैसे याद रखेंगे बेसिकली स्लीप क्या होता है आई मूवमेंट ऐसा कहा जाता है कि जो आई का मूवमेंट होता है वो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देख रहे हैं ना तो आप पूरी विजुअल फील्ड को ऐसे देख रहे हैं और आप अपने सपने को विजुअलाइज कर रहे हैं तो रैपिड आई मूव होगी तो आपको सपना दिखेगा तो इसलिए यहां तक सपना नहीं दिखता है ओके okay? और इसमें अगेन हाई वोल्टेज डेल्टा वेव्स इज दैट क्लियर सो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं बेसिकली अब हम बात करेंगे आर्यम स्लीप e. की ओके okay? तो आर्यम स्लीप e. क्या है डीपेस्ट स्लीप आ गई है ग्रेटेस्ट रिलैक्सेशन हो गया है अराउजल डिफिकल्टी और बढ़ गई है ठीक है और अब अगर अवेक किया तो सेम बस डिफरेंस क्या है कि पर्सन रिपोर्ट करेगा कि वो ड्रीम कर रहा था तो ये स्टेट अच्छी नहीं है अगर वो अच्छा सपना देख रहा होगा तो जरूर आपको चिल्लाएगा बेसिकली आर्यम स्लीप आपको समझ में आ गई अब आरियम स्लीप का याद होगा यदि आपको तो मैंने कहा था आरियम स्लीप इज कॉल्ड एस पैराडॉक्सिकल स्लीप तो आप तो इसी लॉजिक से चल रहे थे आपने इई में डेल्टा वेव लिखा तो आपने कहा सर अब तो और गहरी नींद है तो डेल्टा वेव ही होगी है ना बट नहीं यही यहाँ दिक्कत है यहाँ बेसिकली आपको बीटा वेव देखने को मिलती है बीटा वेव बीटा वेव तो फोकस की वेव होती है तो वही बात है कि इसलिए इसको पैराडॉक्सिकल कहते हैं पैराडॉक्स आपको पता है पैराडॉक्स होता क्या है कि ये चीज है पर वैसी नहीं है है ना सो पैराडॉक्सिकल में क्या होता है बेसिकली आपका डिसिंक्रोनाइज्ड ईईजी मिलता है जो कि आपकी बीटा वेव को रिजेंबल करता है

प्रॉपर्टीज मिलती है क्या फंक्शंस मिलते हैं इवेंट्स ये मिसप्लेस हो गया है सो so ये जो आपके स्लीप है ठीक है, है कि अगर आप सो रहे हैं, जो जो भी event हो रहा है उस duration में that is called parasomnia. तो एनआरएम स्लीप के दौरान क्या क्या मूवमेंट्स होंगे एक्टिविटीज होंगी दीज आर एनआरसोमिया एंड आर इज आरएम के दौरान सो स्लीप वॉकिंग है ना नींद में चलना सो दिस ऑकर्स ड्यूरिंग एनआरईएम स्लीप ठीक है बस आपको दो आरईएम में याद रखने बाकी सारे एनआरएम में ही होंगे स्लीप टॉकिंग है ना सोने में बात करना काफी लोग करते हैं डॉक्टर इन्यूरोसिस मतलब बेड वेटिंग जो बच्चों में अक्सर देखी जाती है उसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं एडीएचडी डिसऑर्डर के कारण होता है वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है बट ये चीज कहाँ इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए क्लिनिकली फिर ब्रुक्सिजम, ब्रुक्सिजम बाइटिंग, जो क्लेंचिंग करते हैं एनआरईएम टेरर्स, टेरर्स में है, नाइट देखने, देखने को मिलते हैं आपको आरईएम में और नार्कोलेप्सी अगर होती है तो आरईएम में होगी तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अब नार्कोलेप्सी आरईएम मतलब क्या तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा तीन डिसऑर्डर समझते हैं दीज आर योर स्लीप डिसऑर्डर्स सो so, इंसोमिया क्या है आपको पता है काफी लोग इसके शिकार भी होंगे बेसिकली कंडीशन आसपास सब अच्छी है अंधेरा है परफेक्ट एसी आपका पंखा ऑन है बट अगेन यू कॉन्ट स्लीप बिकॉज यू डोंट हैव द फीलिंग ऑफ स्लीप है ना मतलब आपको अपॉर्चुनिटी पूरी मिल रही है बट आप सो नहीं पा रहे हैं एंगजाइटी इश्यू हो सकता है कुछ भी इश्यूज हो सकता है बट देर इज इंसोमिया ओके सो दिस इज इंसोमिया वट इज नार्कोलेप्सी नार्कोलेप्सी बेसिकली क्रॉनिक ब्रेन डिसीज है और इसमें क्या होता है कि आपको आरईएम स्लीप एकदम से आना शुरू हो जाती है आर ई एम स्लीप एकदम से कभी नहीं आना चाहिए हमने देखा ना एनआर थ्री टू फिर आर ई एम तो वो सब चीजें एक साइकिल में हो तो अच्छी रहती है अभी एकदम से आर एम स्लीप आ गई इतना तेज अड़ जा गई बंदे को सोने की कि वो अब एकदम से उसका मसल टोन लॉस हो गया है और एकदम वो सोने चले गए तो ये चीज नार्कोलेप्सी होती है और आर एम बिहेवियर डिसऑर्डर आर ई एम बिहेवियर बेसिकली आपको माइंड सेट में क्या रखना है ये जो भी मैंने आपको बताया ना दीज आर योर बिहेवियर चेंजेस

so this is quite uh, you know not good thing so rem behavior disorder is that you need to know so this is all we are done with sleep physiology nothing much to be known just uh, know the phases and what are its importance associated disorders and events so i hope this short video helped you in your revision or studying the first time and now I, I hope if you read any of the book you will definitely find it very helpful so now this is just a question contribution of rem sleep in sleep cycle what is the percentage of contribution you very well know that so again if you have not watched any of the video you can go watch them follow and subscribe and do share the initiative and help the initiative grow further thank you so much stay safe stay healthy